दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो एच यू यूनिवर्सिटी हिसार में जो वैकेंसी निकली है हरियाणा के अंदर, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया है, वहाँ पे पदों की संख्या आप देख सकते हैं किन किन पदों पे भर्ती है। तो यहाँ देखिए, स्कूल टीचर लेना है, इंग्लिश का होना चाहिए, यहाँ पे बीएड होना जरूरी, यहाँ पे एसटेट क्वालिफाई हो या सी टेट या एसटीटी। प्राइमरी टीचर के लिए डिप्लोमा होना चाहिए प्राइमरी टीचर का, और यहाँ पे सी टेट आपका या एसटेट दोनों में से एक पास हो, यानी कि एसटेट और एसटीईटी पास होना जरूरी है। फिर इंस्ट्रक्टर है ड्रेस डिजाइनिंग, यहाँ पे आप योग्यता आप बिल्कुल यहाँ पे आप पढ़ सकते हो वीडियो रोक के, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फाइल का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये सभी जो क्वालिफिकेशन है मैं आपको बताऊंगा, जो मेन क्वालिफिकेशन यानी कि कोई भी इसको भर सकता है। प्रोग्रामर के लिए बी टेक बी आदि 50% के साथ होना चाहिए, एमसीए हो। और यहाँ पे आपको डायरेक्ट बताता हूँ मैं जो क्लर्क की पोस्ट है, जो सभी अप्लाई कर सकते हैं। अगर और भाई अप्लाई करेंगे तो सब चीज़ें देख लीजिएगा। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए बिलीव होना चाहिए, 50% के साथ टाइपिंग की नॉलेज हो, और फोटोग्राफर के लिए +2 पास हो, डिप्लोमा होना चाहिए इसका। जीप एंड कार ड्राइवर की यहाँ पे बारी आती है, 10वीं पास हो, हैवी ड्राइवर हो, 5 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। हैवी व्हीकल के लिए भी ऐसी ही सुविधाएं हैं, यहाँ पे आपका मैट्रिक पास हो, 5 साल की आपकी एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पे हम चलते हैं डायरेक्ट अब क्लर्क की पोस्ट की ओर। यहाँ पे क्लर्क की जो पोस्ट है 186 पदों की भर्ती बताई जा रही है, तो यहाँ पे आपका बीए पास होना जरूरी है, यानी कि ग्रेजुएट है आपके पास, एसईटीसी का सर्टिफिकेट हो, क्वालिफाई किया हो, या आपके पास बीसीए हो या एमसीए हो या बीटेक हो या एमटेक हो, कंप्यूटर इन कंप्यूटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कॉलेज ऑफ डिप्लोमा यानी कि आप कंप्यूटर डिप्लोमा यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, या गवर्नमेंट पॉलिटेक्स से, या एचकेसीएल से, या हार्टन से, या DOEACC से, या नीट के द्वारा। यहाँ पे नीट की जो बारी आती है, हमारे सब्सक्राइबर को पता था, मैंने बताया था कि आप सभी BCC का डिप्लोमा कर लीजिए, CCC का डिप्लोमा कर लीजिए। यहाँ पे मांगा गया है BCC का डिप्लोमा, नीट का है जो, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ इन्होंने लिखा गया है कि जो एग्जाम हमें वही डिप्लोमा चाहिए जो एग्जेम्प्टेड यानी कि जो छूट प्राप्त डिप्लोमा हो सेट सी में। तो यहाँ पे आपका जो 3 महीने का डिप्लोमा होता है, मैंने आपको बताता हूँ हर महीने इसके फॉर्म निकलते हैं, आप आवेदन कर सकते हो। तो बिल्कुल यहाँ पे आपको नीट का BCC का डिप्लोमा काम आएगा, एग्जेम्प्टेड है वो, यानी कि छूट प्राप्त हैं सेट सी के लिए, क्योंकि जब एग्जाम होगा सेट सी का हार्टन में, आप वहाँ पे ओनली टाइपिंग दे सकते हो, चाहे वो रेगुलर इम्प्लॉय हो या आप वैसे कोई भी हो। बिल्कुल यहाँ पे बारी आई है, और एक्स सर्विस मैन के लिए यहाँ पे ओनली मैट्रिक दर्शाया जा रहा है, बिल्कुल आप देख सकते हैं नीचे 15 साल की सर्विस होनी चाहिए। तो जिन भाइयों का नेट का अभी तक डिप्लोमा नहीं है, कोई भी डिप्लोमा नहीं है, यहाँ पे किसी इंस्टीट्यूट का डिप्लोमा भी चल सकता है, ऐसी बात नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है एजेंसी अथोराइज ऑफ बाई इंडिया गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट से अप्रूव होना चाहिए वह सेंटर जिससे आपने डिप्लोमा किया है, चल सकता है अभी, कोई बात नहीं ऐसी। तो लेकिन BCC अभी अप्लाई कर दीजिए आपका, अगर आपका कंप्यूटर सेंटर डिप्लोमा नहीं चलेगा तो BCC आपका चल जाएगा। हालांकि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया एग्जेम्प्टेड यानी कि छूट प्राप्त होना चाहिए, तो छूट प्राप्त में आपका किसी भी सेंटर का डिप्लोमा नहीं चलेगा, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो स्टेनोटाइपिस्ट के लिए जरूरी है ग्रेजुएट यानी कि बीए 50% के साथ, शॉर्ट हैंड होनी चाहिए आपकी 80 वर्ड पर मिनट, और ट्रांसक्रिप्ट यानी कि जो कंप्यूटर टाइप करेंगे आपको 15 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। लैब असिस्टेंट के लिए भी बीए पास होना चाहिए साइंस के साथ 50%, लाइब्रेरी अटेंडेंट +2 पास हो किसी भी बोर्ड से, और एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस का। तो यही जो मैन चीज होती है मैंने आपको बता दी है। और यहाँ पे कारपेंटरी की भी वैकेंसी आई है, सेवा ऑपरेटर, यहाँ पे 10वीं पास हो और ITI सर्टिफिकेट इन कारपेंटरी यह आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों ये 30 की क्वालिफिकेशन जो मैंने आपको बताई है। और यहाँ पे फीस की बारी आती है, जो 600 रुपये जनरल के हैं जेंट्स के, और लेडीज़ के 300 रुपये हैं। और यहाँ पे जो ऐसी छूट प्राप्त हैं कैटेगरी उनके लिए 150 रुपया, पुरुषों के लिए 75 रुपये, लेडीज के लिए यहाँ पे। बिल्कुल
तो दोस्तों अगर आपने आवेदन करना तो आवेदन कीजिए और अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। यहाँ पे एग्जाम पैटर्न भी दर्शाया गया है, 90 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, 10 मार्क्स साइको इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस के लगेंगे। तो सेम वही हरियाणा का जो प्रोसीजर है वही होगा यहाँ पे। तो दोस्तों अगर आपने कोई सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय शुभ रहे।